नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच बहादुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंद ऑल इन वन डिजिटल इंडिया। सो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ हूं एक नई खबर के साथ। आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश SCVT UPITI एडमिशन 2021 ऑनलाइन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसकी आवेदन तिथि क्या है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो फ्रेंड देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू 4 अगस्त से हो गया है और इसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त को है। लास्ट डेट फीस पे करने की 28 अगस्त को है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC के लिए ₹250 रखी गई है, वहीं SC और ST के लिए ₹150 रखी गई है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 10वीं पास होना अनिवार्य है और एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2021 को मिनिमम 14 साल उम्र जो है पूरी कर लेना अनिवार्य है। बात करें कि ITI प्रोग्राम विद एलिजिबिलिटी के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है ITI प्रोग्राम हैं, जिसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर 1 साल के लिए है, जिसकी एलिजिबिलिटी हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, इंटर के साथ फिजिक्स मैथ होना अनिवार्य है। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारे ट्रेड हैं जो आप लोगों को करना हो उसकी एलिजिबिलिटी सामने देगी, आप लोग जो उसको देख सकते हैं। बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, सो फ्रेंड देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें फॉर्म भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक, उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ लिखा है एप्लीकेंट इंग्लिश नेम। सो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को अपना फॉर्म भर दिखाते हैं, जैसे कि मेरा नाम पंच बहादुर है, तो यहाँ पंच बहादुर भर दिया हमने। अगले कॉलम में हिंदी में आप लोगों को नाम भरना है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं कर हिंदी में भर पा रहे हैं, तो यहाँ से देखने जो कीबोर्ड टाइप बना है इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी की जो है फॉन्ट आ जाएगा, आप लोग इसकी सहायता से हिंदी में नाम भर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी मतलब वर्ग जनरल SC या ST OBC जो भी हो, आप क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के एक जो है सबमिट करेंगे तो एक OTP आएगी। OTP सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर जो है आ जाना है होम पेज पे, उसके बाद फिर लॉगिन वाले करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वर्ग सेलेक्ट करके कैप्चा भर के आपको लॉगिन करने हैं। उसके बाद जो है आप तमाम अपनी जो है एलिजिबिलिटी भर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।